Hello, hi friends, welcome to Mission for Excellence. Myself is Trivedi and I am here with all of you for your preparation of SSC exam. So friends, let's start. तो अभी जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि दो दिन का हमारा न्यूज नहीं आया है, तो इसलिए आज है 10th of June और सॉरी 11th हो गई ना, और आज मैं आपके लिए पूरा जो आपका वीकेंड की न्यूज थी इम्पोर्टेंट जो कि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, वो हम एक साथ में आपको समरी के रूप में लेके आए हैं। तो एक एक करके हम सभी चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, एससीओ समिट यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी बैठक हुई है, कहां पर हुई है बहुत बार नाम ले चुकी हूं मैं, क्विंगडाओ, ठीक है, क्विंगडाओ में हुई है। अब एससीओ की बैठक में कौन कौन शामिल होता है ये बात जानने वाली होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें देखो यूरेशियन कंट्री आती है। यूरेशियन कंट्री मतलब जो यूरोप और एशिया की कंट्री मिलकर के बनाती हैं एससीओ को, और ये लोग अपना इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इशू पर एक दूसरे का साथ देती हैं। साथ में ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अदर मीटिंग्स होती है तो वहाँ पे एक दूसरे का ये लोग साथ देते हैं, इसलिए कि छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुद्दा उठता है जहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए होता है तो वहाँ पे ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लाइक जैसे अभी क्या हुआ कि जो यहाँ की बैठक की मैं समरी बता रही हूँ, एससीओ समिट में क्या हुआ, जो वन बेल्ट वन रैंक वाला जो इसका चाइना का जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो उसका वहाँ पे एससीओ में सभी लोगों ने सपोर्ट किया है एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया ने उसको अपोज किया है। तो ये देखो पहली बार क्या होती है कि उन लोगों के सामने भी है कि किसको सपोर्ट कर रहे किसको नहीं, अगर कोई चीज इकोनॉमिक दृष्टि से अच्छी जा रही है तो वो करते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया में कि वो पाकिस्तान पैडिक क्षेत्र से जा रहा है। इंडिया ने बोला था अगर वो पाकिस्तान से लेके जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पाकिस्तान पैड एरिया से लेके जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम है। तो ये बातें चल रही है। तो ये देखो क्विंगडाओ यूरेशियन, तो इसके कौन कौन सी कंट्री मेंबर है थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में जो कि चाइना में। तो इसका नाम जो है शंघाई क्यों पड़ा, क्योंकि ये शंघाई पैक्ट के थ्रू बना था, ठीक है, शंघाई पैक्ट। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, लेकिन इसने एक्ट फोर्स यानी एक्ट करना शुरू किया यानी फोर्स में आया था ये 2003 में। तो 2003 में इसमें जो कंट्री थी वो थी हमारी रशिया, यूरोप की कंट्री। रशिया का आधा पार्ट एशिया में है आधा यूरोप में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें था चाइना, तो चाइना तो रहेगा ही। फिर दो के थे, दो के कौन से हो जाएंगे, कजाकिस्तान एंड दूसरा था किर्गिस्तान, दो के हो गए। फिर आपका आ जाता है उज्बेकिस्तान। ये तो इसके इस समय 2001 में मेंबर थे, रसिया चाइना दो के आ जाएंगे, कजाकिस्तान किर्गिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान, और आपका एक और आ जाएगा वो टीथ तजाकिस्तान। तो ये थे इसके मेंबर, यानी एक दो तीन चार पांच छह कंट्रीज इसकी मेंबर थी। फिर 2007 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया, और जिस मीटिंग में ज्वाइन किया था वो मीटिंग हुई थी इसके, ये कजाकिस्तान की राजधानी है कैपिटल अस्ताना, वहां पर ज्वाइन किया था 2007 में। यानी 2007 में ये पैरेंट मेंबर नहीं थे, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2007 में। तो रसिया चाइना टू के कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तो और ये हमारा हो गया उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये थे हमारे एससीओ समिट के पूरे मेंबर। एससीओ के बारे में किंगडाओ में मीटिंग हो रही है 2018 की, ये थी कंप्लीट जानकारी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट समिट हो रही है वो हो रही है G7 की इम्पोर्टेंट समिट हो रही है। G7 की समिट कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है क्यूबेक कनाडा में। और G7 जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्तिशाली जो सात देशों की इकोनॉमिक वाली कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके बीच में होता है G7। तो G7 में देखिए कौन कौन सी कंट्री है, सीधी सी बात आपको पता चल जाएगी। क्यूबेक में हो रहा है इस बात का याद रख लीजिए, ठीक है, क्यूबेक कनाडा में इसकी मीटिंग हो रही। तो इसका एक मेंबर तो कनाडा हो ही गया,
और फिर भाई अगर यो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है तो ये जाहिर सी बात है कि यूएस तो होगा ही होगा। तो यूएस और यूके दोनों ही आ गए, यूएस यूके कनाडा हो गया। फिर आप देखो सबसे ज्यादा जैसे ट्रेन के बारे में या बुलेट ट्रेन वगैरह टेक्नोलॉजी कहाँ पर बेटर है, तो वो हमारा आ गया जापान। जापान के बाद में आप याद रखते हो अनुष्का और विराट की कोहली की शादी कहाँ हुई थी, इटली। और उसके बाद में आप लोग जानते हो कि जर्मनी, ठीक है। तो कनाडा, यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी G7 के मेंबर्स हैं। क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग भी एक दूसरे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए कि एक दूसरे की उसमें, ये छोटे छोटे जितने भी ग्रुप हैं ये सोचो एक दूसरे का सहारा देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनके में देखो जैसे यूरोप और एशिया का वो था मिलके, तो वहां पे यूरोप और एशिया में कुछ तो सिमिलरिटीज हैं उन कंट्री के बीच में। सेम यहाँ पे है कि इनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, इकोनॉमिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा इक्वल्स है, तो वो लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं। फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कनाडा, यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, तीन एक मिनट सिक्स ही हुआ ना, एक और फ्रांस है, सॉरी फ्रांस रह गया था, तो सेवन हो गए, ठीक। तो ये सेवन कंट्री मिलकर के क्यूबेक कनाडा में G7 की मीटिंग हुई, ठीक है। आपसे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने SCO पढ़ा, G7 पढ़ा, नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो है आपका कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था और अब तक इसके अंतर्गत कितने टॉयलेट्स बन चुके हैं और कितने उस समय में थे। तो ये आप लोगों को तो पता ही है, 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो 2014 से स्टार्टिंग हुई थी। आपको बताना है कि 2014 में, ठीक है, कितने टॉयलेट्स थे एंड कितने अभी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक है कि आपको आंसर देना है कि वर्ल्ड योगा डे की स्टार्टिंग कब से हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड योगा डे आने वाला है ना 25 जून को, आपको बताना है स्टार्टिंग कब से हुई थी आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका बारे में हम लोग अभी न्यूज में पढ़ते रहते थे कि P5 मेंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ईरान न्यूक्लियर डील वाले में कि P5 मेंबर प्लस जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्री वाला जो था ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल थे। तो इसमें क्या हुआ था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये चर्चा में क्यों आया है, ये चर्चा में आया है क्योंकि अभी इसके 5 नए मेंबर्स बने हैं, 5 नए मेंबर शामिल हुए हैं। तो इसमें होते कितने मेंबर्स हैं, तो बच्चों इसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, प्लस 10 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो क्या होता है ईच ईयर पे 5 चेंज हो जाते हैं, जैसे इस बार 5 चेंज होंगे तो नेक्स्ट ईयर 5 चेंज होंगे, मतलब उनका 2 इयर्स का तो होता है पूरा टाइम पीरियड कार्यकाल, ठीक है। तो मतलब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 इयर्स का होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 5 नए मेंबर बने हैं, 15 मेंबर्स का टोटल होता है, 5 परमानेंट होते थे, नॉन परमानेंट होते हैं इच 5 इयर्स के। ये क्या लिखा हुआ है, ये मतलब कि 2 इयर्स के बाद में इनका कार्यकाल जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स आप लोगों ने बहुत बार बताए हैं, लेकिन आज फिर कमेंट्स करके बताना आपको 5 जो परमानेंट मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं। तो जो बदले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो बदले हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ए लेटर से नहीं आया है, यहाँ पे बी लेटर से आया है पहला कंट्री। तो सबसे पहले आपको याद करने का तरीका कैसा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप कैसे याद करेंगे। तो पहला आप याद करेंगे बेल्जियम, बी फॉर बेल्जियम। दूसरा आपका याद करेंगे जब आप, तो वो बी के बाद में आएगा आपका डी, डी से आप याद करोगे डोमिनिकन रिपब्लिक, बी बेल्जियम डोमिनिकन रिपब्लिक, बी और डी हो गया। उसके बाद में आप याद करोगे जी फॉर जर्मनी, जर्मनी देखा था आपने P5+1 वाले कंट्री में था, ठीक है। तो जर्मनी के बाद में आपका आ जाएगा इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। और इंडोनेशिया के बाद में आपका एस फॉर आएगा साउथ अफ्रीका,
ये नए 5 मेंबर्स हुए। कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं। बी फॉर बेल्जियम, डी फॉर डोमिनिकन रिपब्लिक, सी जी फॉर जर्मनी, डी आई फॉर इंडोनेशिया, फिर साउथ अफ्रीका। ये 5 नए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर आए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर जो आए हैं, ये भी सेम वही होता है कि एक दूसरे को ये लोग करते हैं कि कैसे ग्लोबल यानी वर्ल्ड में ही कैसे क्या पीस और सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड में पीस को स्थापित करने के लिए। तो बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इन नई 5 कंट्री जो है वो इसमें ऐड हुई हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पता है 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे। इसका भी इस बार का जो थीम था वो भी डिपेंड था प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ही। तो ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो ये है प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, कैसे इसको रोका जाए। एंड इनकरेजिंग सॉल्यूशन, कैसे जो है वो प्लास्टिक के पॉल्यूशन को रोका जाए और एक हेल्दी सोल्यूशन ढूंढा जाए फॉर क्लीन, मतलब हेल्दी ओशियन के लिए कैसा सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इनकरेजिंग सोल्यूशन फॉर हेल्दी ओशियन, ये थी इस बार की थीम। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे के लिए सबसे जो याद है कि ये स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो 1992 में रियो डी जनेरियो में हुई थी वर्ल्ड अर्थ डे समिट। अर्थ समिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ ये समझ लेना वर्ल्ड अर्थ डे के दिन होता है, बट बोलते इसको अर्थ समिट है। तो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जनेरियो में, जहां से फिर स्टार्टिंग हो गई थी हमारी वर्ल्ड ओशियन डे की। 8 जून से थीम थी प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इनकरेजिंग सोल्यूशन फॉर ए हेल्दी ओशियन। तो ये था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अनाउंस हुआ है, जो लोग क्रिकेट के फैन हैं उनको पता होगा कि पाली उमरीगा, ये ट्रॉफी दी जाती है किस लिए। ये ट्रॉफी दी जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके यहाँ से बेस्ट प्लेयर कौन सा रहा है। तो पाली उमरीगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंडिया के प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर, पूर्व इंडियन क्रिकेट प्लेयर है पाली उमरीगा। तो पाली उमरीगा अवार्ड जो इस बार का दिया गया है वो दिया गया है विराट कोहली को। इनमें पुरुषों की श्रेणी में विराट कोहली को दिया गया है, इनको लगातार फोर्थ टाइम, लगातार नहीं मतलब टोटल कैरियर में फोर्थ टाइम मिला है, ठीक है, विराट कोहली को। और जो विमेन्स में है वो जीता है हरमनप्रीत कौर ने। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे हरमनप्रीत कौर को इस साथ में मिलने का मौका मिला और इनके साथ में मेरी भी फोटो है, हरमनप्रीत कौर और जो दूसरी थी वो स्मृति मंदाना। लेडीज में 2 लोग हैं, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। इंटरनेशनल प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स को दिया जाता है इंडिया में जो इंडियन क्रिकेट खेलते हैं। तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को विराट कोहली मेन्स में मिला, विमेन्स में मिला है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना को पाली उमरीगा ट्रॉफी। तो मैं 2 दिन लेके नहीं, आप लोग नाराज तो नहीं हो ना। देखो कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और पता है कि मुझे कितना सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी मैं ये हिम्मत दिखाती हूँ कि बस आप लोगों से एक बार मिल लूँ। क्योंकि मेरे को भी पता है जब तक आप लोगों से मिलना नहीं होता है, वो कमेंट्स पढ़ने नहीं होते, वो रिप्लाई देना नहीं होता, मैं इसलिए एक एक रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि जब एक एक कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो मैं एक एक को रिप्लाई भी करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मुझे पता चलता है कि अभी कमियां कहाँ पे है, कहाँ पे सुधार कर सकते हैं, और अगर बच्चों ने पढ़ा है तो वो किस किस चीजों के बारे में पढ़ा है। तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मुझे, और वही है जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं प्रीति तुम्हें रोज आपके ये करना ही है, तुम्हें यहाँ पे आके पढ़ाना। तो ये हमने आपको सुबह सुबह आज करंट की क्लास दे दी, तो करंट की क्लास हो गई तो शाम को हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेके आएंगे। साथ में आपका होमवर्क है, आज आप मैथ्स में नंबर सिस्टम का रिविजन करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा
कि सीईटी आने वाला है 2019 से, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम्स के लिए बस एक ही एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये आपका सीईटी जो है वो 2 इयर्स के लिए मान्य होगा, वैलिड होगा, कि मतलब 2 इयर्स के लिए आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा टीईटी का एग्जाम होता है या सीटेट का एग्जाम होता है टीचिंग में, तो वो लोग भी यही सेम करते हैं कि आपको सीटेट का निकाल देते हो एग्जाम, फिर आप अदर्स एग्जाम टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो। तो सेम कुछ सीईटी भी बनने जा रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आप लोग प्लीज करेंट और इंग्लिश और नंबर सिस्टम आज की क्लासेस चले, ये तो अभी इंग्लिश की क्लास शाम को आएगी, ठीक है। तो चलिए, अब टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।